देश में बढ़ते नशे और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में 10 राज्यों के सीएम शामिल होंगे, जिसमें हरियाणा सीएम मनोहर लाल, पंजाब सीएम भगवंत मान और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नशे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक कर चुके हैं। तो देश को नशा मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई मुहिम चलाई गई है। इसके साथ ही कई राज्यों में भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बात हम पंजाब के संदर्भ में करें तो पंजाब सरकार भी अपने लेवल पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है और जिसका नतीजा भी समय समय पर देखने को मिलता रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में नशा तस्करों पर या फिर इस काम में लिप्त जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ समय समय पर पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती रही है। हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, कितने बजे बैठक होनी है और जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब सीएम भगवंत मान इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। देखिए, गृह मंत्री तमाम राज्यों के, क्योंकि मादक पदार्थों की विक्री, ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स है, ये तमाम चीजें जो है बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और प्रदेश के जितने भी एंटी नारकोटिक जो है जितने सेल हैं, उनमें किस तरीके से समन्वय आए, क्योंकि आज के दौर में जितना भी ये तस्करी हो रही है वो एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, ऑल अक्रॉस जितने हैं, जितने स्टेट्स हैं वहां से ये तस्करी होती है, पाकिस्तान से या दूसरी जगह से जो सप्लाई होकर आती है, फिर कई राज्य होते हुए मुंबई तक, दिल्ली तक, पंजाब तक ये ड्रग्स पहुंचते हैं। तो तमाम राज्य आज एक टेबल पर होंगे और किस तरीके से इस चीज को रोका जाए उस पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी एक बार एक बैठक की गई थी जिसमें तमाम राज्य थे, उसके बाद फिर चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, इन तमाम राज्यों की भी बैठक हुई थी। और एक चीज ये भी देखने वाली कि आज 10 राज्यों में जो ड्रग जब्त की गई है वो डिस्ट्रॉय भी की जाएगी और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब देखेंगे। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर आपको बता दें हमारे संवाददाता दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, जैसा कि हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने बताया कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इससे पहले भी कई दफा इस तरह की बैठकें हो चुकी है और ये जो समस्या है नशे की, जो समस्या है वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पंजाब के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो पंजाब सीएम भगवंत मान इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पंजाब सरकार अपने लेवल पर, अपने स्तर पर लगातार नशा तस्करों के खिलाफ, नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है और प्रदेश में तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के अभियान नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जाते रहे हैं। यहां तक कि पंजाब पुलिस भी लगातार प्रदेश के लोगों से अपील करती रही है। अगर आपको इस संबंध में या फिर इस बाबत कोई भी जानकारी है नशा कारोबारियों की, नशा तस्करों की, तो आप भी जरूर जानकारी साझा करें, पंजाब पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हालांकि खास तौर पर पंजाब के संदर्भ में बात करें तो पंजाब के सामने ये समस्या इसलिए भी बड़ी हो जाती है, चूंकि आपने सुना होगा कि सरहदी इलाकों से ड्रोन की एक्टिविटीज की जानकारियां सामने आती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जाते हैं, नशा सप्लाई किया जाता है। ऐसे में पंजाब के सामने ये चुनौती और ज्यादा विकराल हो जाती है और ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजाब के संदर्भ में बात करें तो पंजाब के सामने नशे का जो मुद्दा है वो बहुत विकराल हो जाता है और पंजाब सरकार अपने लेवल पर भी इस मुद्दे से निपट रही है। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार अपने लेवल पर भी इस मुद्दे से निपट रही है और पंजाब में अगर ड्रग्स की बात करें तो लगातार लगाम कसने की कोशिश जो है की जा रही है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कई राज्यों के साथ इस मसले को लेकर बैठक कर चुके हैं। ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज भी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और 10 राज्यों के साथ साथ पंजाब भी इसका हिस्सा बनने वाला है। और जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है इन राज्यों की, वो जो है वो 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जो है आज इसमें नष्ट भी किए जाएंगे, इनका विनष्टीकरण किया जाएगा। कहीं ना कहीं रिकॉर्ड स्तर पर जो है मादक पदार्थ जो है नष्ट किए जा रहे हैं। अगर पिछले 1 जून 2022 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक की बात करें तो 9580 करोड़ रुपए के मूल्य के करीब 8,76,554 किलोग्राम जो है तक मादक पदार्थ जो है वो नष्ट किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य से कहीं ना कहीं 11 गुना अधिक है। और पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, लगातार नशा तस्करी होती है और लगातार इस पर लगाम कसी जा रही है, इस पर आगे और किस तरह से काम करना है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होनी है। सीएम भगवंत मान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं किस तरह से रणनीति अपनाई जानी है ड्रग्स पर लगाम लगाने को लेकर, इन बातों को लेकर विचार विमर्श जो है इस बैठक में किया जाएगा। जी दीपक, क्या तमाम राज्यों की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के सामने रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कि पिछले कई महीनों के दौरान किस किस तरह की कार्रवाई इस दिशा में की गई है, रिपोर्ट रखी जाए प्रदेश सरकारों की तरफ से कि और क्या क्या आने वाले वक्त में कदम उठाए जाने वाले हैं प्रदेश सरकारों की तरफ से? जी बिल्कुल, तमाम राज्यों की तरफ से रिपोर्ट रखी जाएगी। हालांकि राज्यों की बात करें तो हैदराबाद इकाई जो है उसकी ओर से 6,590 किलोग्राम जो है वो मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं, 2,822 किलोग्राम नष्ट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 356 किलोग्राम मादक पदार्थ जो है नष्ट किए गए हैं। इसी तरह 10 राज्य जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री के सामने रखेंगे कि किस तरह से ड्रग्स के खिलाफ जो है अब तक कार्रवाई जो है उन्होंने की है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे।